अक्सर हमारे समाज में जो गोरा है उसे खूबसूरत मान लिया जाता है और इसी वजह से हमारे देश में फेयरनेस क्रीम्स बहुत ज्यादा बिकती हैं, जो कि गोरा करती हैं या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हमारे गोरापन पाने की चाहत का फायदा उठाकर वो करोड़ों रुपया कमा जरूर रही हैं, जिसमें उनका साथ दे रही हैं बहुत सारी सेलिब्रिटीज। लेकिन हर सेलिब्रिटी एक जैसी नहीं होती। उन्हीं में से एक है प्रभास, जिन्होंने 18 करोड़ रुपयों का फेयरनेस क्रीम का एक ऑफर ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि खूबसूरती का गोरेपन से कोई लेना देना नहीं है। खूबसूरती एक्चुअली इंसान के नेचर से होती है। अगर उसका दिल खूबसूरत है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गोरा है या काला। गाइस, आपको डार्लिंग प्रभास की ये बात कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 25 जून 2009 को द किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की मौत हुई थी और बहुत से राज उनकी मौत के साथ ही दफन हो गए थे और उनमें से एक राज था एंटी ग्रेविटी डांस मूव का। गाइस, 1987 में माइकल जैक्सन की एक एल्बम रिलीज हुई थी जिसका नाम था स्मूथ क्रिमिनल और उसमें उन्होंने एंटी ग्रेविटी डांस मूव किया था, जिसमें वो 45 डिग्री तक बिना किसी सहारे के झुक जाते हैं और वो भी अपने बैक को सीधा रखते हुए। जब ये एल्बम रिलीज हुई थी तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, तो फिर एमजे ने यही डांस मूव एक लाइव शो में परफॉर्म करके दिखाया तो लोगों के होश उड़ गए। गाइस, बाद में बहुत से लोगों ने इसे एक ट्रिक कहा, लेकिन आज भी वो डांस मूव किसी के बस की बात नहीं है। गाइस, लेट्स राइट इन द चैट, वी लव यू एमजे।